मेरे पापा की डेथ हो गई है और वो एक एक्सीडेंट। कहते हैं ना कि जीना है, मरना किसी के हाथ में तो होता नहीं है, जीना है तो बस जिंदगी निकाल रही हूँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। क्योंकि पापा के बिना दिन भर पापा पापा कुछ न, तो अचानक से ऐसा इंसान जब हमसे दूर चला जाए तो बहुत बुरा लगता है गाइस। चेहरा देख के एक बार में ही बता दें कि कुछ ना कुछ बात है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया तो नहीं कह सकती बट हाँ ठीक हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा चलो कुछ देर के लिए आप लोगों से बात कर लूँ तो शायद मन हल्का हो जाएगा गाइस। तो आज मुझे मेरे पापा की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। आप लोगों को शायद पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं है गाइस, मेरे पापा की डेथ हो गई है और वो एक एक्सीडेंट में गए हैं। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है क्योंकि मेरा ना लगाव उनसे कुछ ज़्यादा ही था। बोलते हैं ना पापा की परी वाला, वो मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही लाडली थी उनकी और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जो गाइज आपको मतलब आपका चेहरा देख के एक बार में ही बता दें कि कुछ ना कुछ बात है, तू मुझे बता नहीं रही है या तू दुखी है, कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है। चेहरा देख के जो बता दें, फिर मतलब वो अचानक से हमसे दूर चले जाएं, जिन की आदत हमें हर एक पल है, हर एक पल हमारे मुंह से जिनका नाम निकलता है। मतलब मेरा तो हाल कुछ ऐसा होता था कि सुबह से उठकर रात को जब तक सो नहीं जाती थी, दिन भर पापा पापा कुछ ना कुछ, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी मैं पापा से, पापा मुझसे, उनसे ही ज़्यादा लगाव था। तो अचानक से ऐसा इंसान जब हमसे दूर चला जाए तो बहुत बुरा लगता है गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा आज याद आ रही थी अपने पापा की, क्योंकि मेरी मुसीबत के टाइम में और कैसा भी टाइम हो या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे से कोई गलती हो, कुछ भी हो गाइस, मेरे पापा ही एक ऐसे इंसान थे जो मुझे हर चीज़ में समझाते थे, सपोर्ट करते थे, हमेशा मुझे एक हिम्मत देते थे कि नहीं तू कर सकती है ऐसा। तो गाइस होता है ना कि ऐसा इंसान जब आपकी लाइफ में से अचानक से चला जाए तो उसको सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ है और आजकल मतलब कहते हैं ना कि जीना है, मरना किसी के हाथ में तो होता नहीं है, जीना है तो बस जिंदगी निकाल रही हूँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। क्योंकि पापा के बिना नहीं रहा जाता गाइस, पापा के बिना मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। ऐसा नहीं है गाइस, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा नहीं है, मेरे पापा जब से ख़त्म हुए हैं उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है गाइस, बहुत मुझसे प्यार करते हैं, कभी मुझे रोने नहीं देते, उन्हें मेरी आंखों में आंसू पसंद नहीं है गाइस बिल्कुल भी। मैं रोती हूँ या फिर टेंशन में रहती हूँ तो उनका मूड सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, वो बहुत मेरे ऊपर गुस्सा भी करते हैं कि तू रोती क्यों है, मैं हूँ ना। लेकिन फिर भी गाइस भले ही हस्बैंड कितने भी अच्छे हों, कितना भी हमें प्यार दें, बट पापा की जगह कोई नहीं ले सकता ना, बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। वैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं। भगवान करे हर एक लड़की को ऐसे हस्बैंड मिले, केयरिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, मतलब सब कुछ उसका अच्छे से ध्यान रखें। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं बट ठीक है, कभी कभार बुरा लग जाता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। तो बस इतना ही आज आप लोगों से कहना था, बुरा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो वीडियो अच्छी लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। थैंक यू सो मच गाइज मेरे से बात करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।